बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अमार है और आप देख रहे हैं डबल ए रियल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस न्यू वीडियो में आपको मैं विज़िट कराऊंगा 7 मरला डबल यूनिट हाउस का, जो कि इस टाइम बैरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में सेल के लिए अवेलेबल है। घर की जो डायमेंशन हैं वो है 30x55। 30 घर का फ्रंट है, विड्थ है, और 55 घर की लेंथ है, लंबाई है। आप सब ने वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है, घर का प्रॉपर विज़िट करेंगे और इसी वीडियो में आगे फर्दर आपको घर की डिमांड, फ्लोर प्लान, इंटीरियर की तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा। एंड अगर आप मेरे चैनल डबल ए रियल स्टेट पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे विदाउट सर्चिंग, सर्च के बगैर। तो विज़िट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एलिवेशन पर देख सकते हैं, कैमरा भी इंस्टॉल्ड है इस घर में। सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम प्लस कैमरा जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। एलिवेशन पर प्रॉपर अच्छे तरीके से ग्राफी की गई है। घर के राइट साइड पर घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है, लेफ्ट साइड पर प्लॉट है। तो अब मूव करते हैं इसके पार्किंग रैम्प पर। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे पास का पार्किंग रैंप है जिस पे टफ टायर्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पे भी आप इजीली अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और राइट साइड पे घर का ग्रीन एरिया अवेलेबल है जिसको आप मज़ीद अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। और बिजली का 3 फेज़ मीटर इंस्टॉल्ड है और इस लोकेलिटी में गैस अवेलेबल है। इस घर की जो गैस की डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑनर की तरफ से अप्लाइड है। तो फर्दर ये इसका मेन गेट है, राइट साइड पर स्लाइडेबल है, लेफ्ट साइड का जो पैच है ये बाहर की तरफ ओपनएबल है। तो अब इंटर होते हैं इसके पोर्च में। व्यूअर्स, पोर्च में इंटर होते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये एक डबल यूनिट हाउस है, तो आपको मैं सबसे पहले इसके एंट्रेंस का गाइड करता हूँ। लेफ्ट साइड का जो डोर है फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस के लिए है। जो मेन मिड में डबल डोर है वो हमारे पास मेन टीवी लाउंज की एक्सेस के लिए है। राइट साइड का जो डोर है वो ड्राॅइंग रूम की सेपरेट एक्सेस के लिए है। फर्दर जो पोर्च की फ्लोरिंग है फैंसी डल टाइल्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और राइट साइड टर्न करते हैं तो यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और पानी की मोटर भी इंस्टॉल्ड है। तो एलिवेशन आप क्लोजली चेक कर लें। इनसाइड वॉल्स जो हैं यहाँ पे भी कंप्लीट ग्राफी की गई है। और कार पार्किंग स्पेस यहाँ पे आप अपनी एक बड़ी गाड़ी या तो एक छोटी गाड़ी इजीली एट अ टाइम पार्क कर सकते हैं। तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है व्यूअर्स। डोर डिज़ाइन और डोर हाइट चेक कर लें। और पूरे घर में जो बटन्स हैं उनका डिज़ाइन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। फर्दर यहाँ पर भी स्पेस अवेलेबल है और यहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ डेकोरेट करवा सकते हैं। तो चलते हैं घर के अंदर इसके मेन डोर के थ्रू, डोर लॉक देख लें। पोर्च से इंटर होते हैं तो व्यूअर्स सबसे पहले आप सारी स्पेस को एक दफ़ा ओवरव्यू देख कर लें और उसके बाद हम लाइन वाइज जाके विज़िट करेंगे और साथ साथ आपको मैं गाइड करूंगा। तो अगेन शेयर कर दूं व्यूअर्स, आज की इस न्यू वीडियो में आपको मैं विज़िट करवा रहा हूँ 7 मरला का ब्रांड न्यू डबल यूनिट हाउस, जो कि इस टाइम बैरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में सेल के लिए अवेलेबल है। तो वीडियो आप सब ने लाजमी एंड तक देखनी है। एज़ यूजल हर वीडियो की तरह ड्यूरिंग द वीडियो आपके साथ घर की डिमांड, फ्लोर प्लान, तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा। एंड अगर आपको घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, फ्लोर प्लान, इंटीरियर पसंद आता है तो आपने वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना है और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स करके बताना है। तो अब आपको फ्लोर प्लान गाइड कर दूँ तो बिल्कुल सामने यहाँ पर हमारे पास काफ़ी खूबसूरत ओपन किचन है और 2 बेडरूम्स हैं विद वॉशरूम। ये हमारे पास इसका मेन जो है टीवी लाउंज का एरिया है और बिल्कुल सामने हमारे पास सेपरेट ड्राइंग रूम अवेलेबल है। तो इंटर होते हैं ड्राइंग रूम में। पोर्च से भी ड्राइंग रूम की एक्सेस अवेलेबल है, उसके अलावा घर के अंदर लाउंज से भी पोर्च ये ड्राइंग रूम की एक्सेस अवेलेबल है। तो ये इसका ड्राइंग रूम का एरिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जो है वार्म लाइट्स भी लगाई गई हैं और इसका सीलिंग वर्क आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। फर्दर वेंटिलेशन विंडो भी है और यहाँ पे इसके साथ हमारे पास एक अटैच वॉशरूम भी है। ये जो लेफ्ट साइड पर डोर नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये हमारे पास पोर्च से सेपरेट एक्सेस के लिए है ड्राइंग रूम की। तो वॉल पे 3D वॉलपेपर है। उसके अलावा थ्रू आउट द ग्राउंड पोर्शन बेडरूम्स में, किचन में, लाउंज के एरिया में आपको सेम पैटर्न की शाइनिंग टाइल्स देखने को मिलेंगी। तो बेडरूम फर्स्ट और जो ड्राइंग रूम है इसका वॉशरूम आप देख सकते हैं कॉमन है, बिल्कुल सामने से भी एक्सेस अवेलेबल है इस वॉशरूम की। यहाँ पे इसका कमोड, इसकी वैनिटी और ये इसका मिरर एरिया। तो व्यूअर्स, गैस, बिजली और पानी सब कुछ इस ब्लॉक में अवेलेबल है। इस घर में बिजली और पानी अवेलेबल है, गैस की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑनर की तरफ से अप्लाइड है। और जो मस्जिद है हर ब्लॉक की, जैसे एक सेपरेट मस्जिद होती है
इस घर से आपके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है मस्जिद, और जो फैमिली पार्क होता है हर ब्लॉक का, वो इस घर से आप कह सकते हैं लाइक 2 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और जो हर ब्लॉक का अपना एक मिनी कमर्शियल एरिया होता है वो भी इस घर का काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे अवेलेबल है। तो ये इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है, इसकी बैक साइड के वॉल पे 3D वॉलपेपर का यूज़ किया गया है। तो फ्लोरिंग टाइल की है, बेडरूम फर्स्ट की तरफ इंटर होते हैं। सबसे पहले ये आप इसका डोर डिज़ाइन देख लें, बिल्कुल सेम है और डोर हाइट भी। और राइट साइड पे हमारे पास की 3 डोर डबल बेड में इसकी कबर्ड्स हैं, ऊपर इसका सीलिंग वर्क, और बिल्कुल सामने की वॉल पे 3D वॉलपेपर लगाया गया है। फर्दर यहाँ पे वेंटिलेशन विंडो भी है। उसके अलावा इस वॉशरूम का मैं आपको ड्राइंग रूम से विज़िट करवा चुका हूँ, अगेन देख लें आप, टाइल वर्क है प्रॉपर। ये हमारा बेडरूम नंबर फर्स्ट है। तो ग्राउंड पोर्शन पे 2 बेडरूम्स हैं विद अटैच वॉशरूम, एक TV लाउंज है काफ़ी स्पेशियस, और एक काफ़ी खूबसूरत तैयार किया हुआ किचन है, और उसके अलावा ड्राइंग रूम विद पाउडर रूम अवेलेबल है। तो ये आप एक और एंगल से सारी स्पेस देख लें। फ्लोरिंग पे टाइल वर्क है, और यहाँ से हम इंटर होते हैं बेडरूम नंबर 2 में। डोर डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम है। फ्लोरिंग पे बड़े साइज़ की शाइनिंग टाइल है, सामने इसका वॉशरूम, सीलिंग वर्क, और वॉल्स पे बिल्कुल सेम बिल्कुल सिंपल जो है वाइट कलर का पेंट है। इस बेडरूम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3D वॉलपेपर लगाया गया है, और इसकी वार्डरोब्स जो हैं बिल्कुल सामने अवेलेबल हैं। फ्लोरिंग पे टाइल, राइट टर्न करते हैं तो इसका अटैच वॉशरूम, इसका भी जो टाइल वर्क है आप देख सकते हैं बिल्कुल हाइट तक किया गया है। जो मिरर एरिया है इसका टाइल वर्क डिफरेंट है, और फ्लोरिंग पे कम्प्लीटली डिफरेंट टाइल यूज़ किया गया है। तो ये अब आप वॉशरूम के एंगल से अगेन सारी स्पेस देख लें, पर सीलिंग वर्क। बेडरूम में भी वेंटिलेशन विंडो है, और जो इसका लॉन्ड्री का एरिया है व्यूअर्स, वो हमारे पास किचन से लॉन्ड्री की एक्सेस है, और इस घर में एक अदद गीज़र भी जो है ऑनर की तरफ से इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका खूबसूरत वॉश इसका किचन है, ऊपर एक शैंडलर भी ड्रॉप किया गया है। फर्दर फ्लोरिंग पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइल है शाइनिंग, और रेंज हुड भी इंस्टॉल्ड है, बर्नर भी इंस्टॉल्ड है। कैबिनेट्स का आप कलर कम्बिनेशन देख लें, ऊपर इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट फैन। फर्दर यहाँ पे भी राइट साइड पे स्पेस अवेलेबल है, और ये जो डोर है आपको मैंने बताया था किचन से ही डबल डोर है, नेट का भी डोर है एक, बैक साइड लॉन्ड्री की एक्सेस है। यहाँ पे भी कंप्लीट टाइल है, 2 टैप्स भी हैं, और ऊपर आप देख सकते हैं गीज़र भी इंस्टॉल्ड है, और कैमरा का भी मैंने आपको बताया था घर में CCTV कैमराज भी इंस्टॉल्ड हैं। तो ये था व्यू इसका खूबसूरत किचन। अब आप किचन के एंगल से सारी स्पेस देख लें, और ग्राउंड पोर्शन का विज़िट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव करते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि डबल यूनिट डबल स्टोरी हाउस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने एक शीट लगानी है, और डोर जो है अवेलेबल है सेपरेट एक्सेस के लिए फर्स्ट फ्लोर की, तो आप किसी भी फैमिली को ईज़िली सेपरेटली रेंट आउट भी कर सकते हैं, 2 इंडिविजुअल फैमिलीज़ भी ईज़िली रह सकती हैं। तो अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर में आते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जहाँ पे ग्राउंड पोर्शन का किचन था, फर्स्ट फ्लोर का भी किचन यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, और बेडरूम फर्स्ट, सेकंड, और रिमेनिंग जो 3rd बेडरूम है वो बिल्कुल सेपरेट है, उसको आप फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम भी कंसीडर कर सकते हैं, या उसको आप ड्राइंग रूम भी कंसीडर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये फर्स्ट फ्लोर है, घर का अपर पोर्शन है, आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और ये इसका मेन लाउंज का एरिया है, और मीडिया वॉल की जो हमारे पास स्पेस है देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे 3D वॉलपेपर का यूज़ किया गया है, और ये इसका ऊपर सीलिंग वर्क। फ्लोरिंग पे सेम टाइल है ग्राउंड पोर्शन की तरह।
तो सबसे पहले बेडरूम फर्स्ट देखते हैं और आपको मैं घर की आस्किंग प्राइस आपके साथ शेयर करता हूँ। व्यूअर्स, इस घर की जो आस्किंग प्राइस है, घर की जो डिमांड है फ्रॉम ऑनर साइड, वो है 2,35,00,000। 2,35,00,000 घर की आस्किंग प्राइस है, घर की डिमांड है जो कि ऑनर की तरफ से है और जो कि नेगोशिएबल है। तो इस घर से रिलेटेड डिटेल्स लेने के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नेम विद नंबर मेंशन है। आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप पे या सिम पे कांटेक्ट करके इस घर से रिलेटेड डिटेल्स ले सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। फर्दर इसके ऑनर के साथ आपकी मीटिंग भी करवा दी जाएगी। यहाँ से टेरेस के एक्सेस हैं, सेम हमारे पास लॉन्ड्री के एक्सेस की तरह डबल डोर्स हैं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम विज़िट कर रहे हैं ब्रांड न्यू 7 मरला डबल यूनिट डबल स्टोरी हाउस का, जो कि इस टाइम बहरिया टाउन फेज ए रावलपिंडी में बहुत ही अच्छी लोकेशन पे अवेलेबल है। घर की जो आस्किंग प्राइस है वो है 2,35,00,000। फर्दर इस घर से रिलेटेड डिटेल्स के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको विज़िट भी करवा दिया जाएगा। अगर आपने घर परचेज करना हुआ तो आपको घर परचेज भी करवा दिया जाएगा। तो ये था बेडरूम नंबर फर्स्ट। यहाँ से हमारे पास स्टेयर्स हैं फर्स्ट फ्लोर की, और अगेन अब आप एक एंगल से सारी स्पेस देख लें। चलते हैं बेडरूम नंबर सेकंड की तरफ। व्यूअर्स, इस घर के अलावा भी 5, 7 और 10 मरला के ब्रांड न्यू घर अवेलेबल हैं। जितनी भी डेली बेसिस पे आप वीडियोस देखते हैं ब्रांड न्यू घरों की, सब के सब घर जो हैं कैश पे सेल के लिए अवेलेबल हैं। कोई भी घर किस्तों पे, इंस्टॉलमेंट पे, डाउन पेमेंट पे अवेलेबल नहीं है, और इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी अवेलेबल हैं। व्यूअर्स, आप हमसे अपना 5, 7 या 10 मरले का घर जो है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, लेकिन जो ब्रांड न्यू जितने भी घर हैं ये सब के सब कैश पे अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर आपका बहरिया टाउन फेज़ रावलपिंडी के किसी ब्लॉक में अगर प्लॉट आपका अपना है, आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। हम आपको आपका 5, 7, 10 मरला या कनाल का अगर आपका प्लॉट है तो आपको कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फर्दर डिस्कशन के लिए। तो ये बेडरूम नंबर सेकेंड है। टाइल डिफरेंस आप देख लें। हर बेडरूम में वेंटिलेशन विंडो भी है और उसके साथ साथ कबर्ड्स भी डिज़ाइन की गई हैं काफ़ी खूबसूरत। और इसके अलावा हर बेडरूम में 3D वॉलपेपर का भी काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। सब बेडरूम नंबर थर्ड। और हर घर की तरह व्यूअर्स, इस घर के छत पे भी सर्वेंट रूम विद अटैच वॉशरूम अवेलेबल है। 2 फैंस हैं TV लाउंज में। यहाँ से बेडरूम नंबर थर्ड है, यहाँ पे भी वेंटिलेशन विंडो है। और इसके अलावा इसकी वार्डरोब्स और सीलिंग वर्क आप इसका देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ओवरऑल जो व्यूअर्स, घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है काफ़ी अमेजिंग है। जो इसके फ्लोर प्लान है ये भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किए गए हैं। तो अगर आपको घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, इंटीरियर, फ्लोर प्लान पसंद आता है तो आपने वीडियो को लाजमी लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स, अपना फीडबैक देना है, और इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। तो ये था बेडरूम नंबर थर्ड। अब आपको मैं बेडरूम नंबर थर्ड के एंगल से अगेन सारी स्पेस दिखा दूँ। और फर्स्ट फ्लोर का विज़िट भी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे जो किचन है इसको भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। फ्लोरिंग पे आप देख सकते हैं ग्राउंड पोर्शन की तरह सेम शाइनिंग टाइल्स हैं, और इस किचन में भी इलेक्ट्रिक हुड प्लस बर्नर इंस्टॉल किया गया है। घर में CCTV कैमराज भी इंस्टॉल्ड हैं। व्यूअर्स, वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था। उसके अलावा गीज़र भी इंस्टॉल्ड है। तो फर्स्ट फ्लोर का विज़िट कंप्लीट कर लिया है, रिमेनिंग हमारे पास छत रह गई है। चलते हैं छत की तरफ। यहाँ से हमारे पास एक्सेस है छत की, और छत पे सर्वेंट रूम वॉशरूम है। तो व्यूअर्स, आज के इस न्यू वीडियो में हमने विज़िट किया है 7 मरला ब्रांड न्यू डबल यूनिट हाउस का, जो कि 2.35 जिसकी आस्किंग प्राइस है। 2 TV लाउंज हैं, 2 किचन हैं, 5 बेडरूम्स हैं विद वॉशरूम, छत पे सर्वेंट रूम विद वॉशरूम है। उसके अलावा ग्राउंड पोर्शन पे एक
ड्राइंग रूम विद वॉशरूम अवेलेबल है। छत की फ्लोरिंग पे चिप्स है। साइड वॉल्स पे ग्राफी का यूज़ किया गया है। इसका वाटर टैंक यहाँ पे है। इसका सर्वेंट रूम है और वॉशरूम। तो व्यूअर्स, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आपने मेरे चैनल डबल ए रियल स्टेट को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह।